जी हम मौजूद हैं चिल्हाना टितवाना क्रॉसिंग पॉइंट LOC के ऊपर आज़ाद कश्मीर, और यहाँ से हम आपको LOC का मरकज़ पॉइंट दिखाएंगे जहाँ से आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ पर LOC है। ये देखें अभी हम ये सामने जो नज़र आ रहा है ये जम्मू कश्मीर का इलाका है और ये सारा आज़ाद कश्मीर का इलाका है। अब थोड़ा आगे जाके हम आपको दिखाते हैं वो जगह जो ब्रिज है, यहाँ से थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है लेकिन आगे से सही ज़्यादा सही नज़र आए। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है यहाँ से ना थोड़ा नीचे जाकर, ये दरिया नीलम भी जा रहा है साथ। अब हम आगे जाते हैं, ये देखें ये सामने ब्रिज नज़र आ रहा होगा आपको, ये आगे से रास्ता है पैदल जाके नीचे आ सकते हैं लेकिन थोड़ा इसमें वॉक करनी पड़ती है तो हम ये ऊपर से बना रहे हैं। वो सामने बिल्कुल वो है रास्ता, ये सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा, यहाँ से जो है वो तिजारत भी होती है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। सर आप देख सकते हैं कि मेरे भाई ने बताया है कि यहाँ से जो है सामान आ जा भी रहा होता है। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको हो सकता है इंडियन फ्लैग भी नज़र आ जाए। ये जो है ब्रिज के पीछे जो है ना राइट साइड पर अगर आप देखें ऊपर तो वो इंडियन फ्लैग है और इंडियन आर्मी भी नज़र आ रही है। ये फ्लैग नज़र आ सकता है आपको आ जाए यहाँ पे। वैसे अगर हम खड़े हुए आंखों से नज़र आ रहा है, कैमरे से थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन देख सकते हैं। अभी हवा नहीं चल रही नीचे इसलिए झंडा थोड़ा सा नीचे, सब लोग यहाँ पे व्यू कर रहे हैं। ये पूरा व्यू है यहाँ से, उस तरफ की आपको गाड़ी भी नज़र आ सकती है। ये पॉइंट है, अगर आप मुजफ्फराबाद से जा रहे हैं आगे, ये अगर आप मुजफ्फराबाद से नीलम वैली की तरफ आ रहे हैं तो मुजफ्फराबाद से 2 किलोमीटर बाद ही क्रॉस चेक पोस्ट आती है, उसके बाद ही 2 किलोमीटर बाद है ये पॉइंट। अरे पुल कहाँ से दिख रहा था? ये देखें ब्रिज यहाँ से दिख रहा है भाई, इंडियन फ्लैग भी नज़र आ रहा है अगर हाँ। आप गौर करें जूम करें थोड़ा सा तो सामने हाँ। भारत का जो है वो झंडा हाँ? लगा हुआ है, नज़र आ रहा है झंडा आपको। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ भी देख के अभी लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई टेंशन होती है, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो इस तरह का शो जाता है।